बट अगर आप एकदम से पिकअप लेने की कोशिश करेंगे तो इंजन काफी नॉइज करेगा, गुर्राएगा और थोड़ा सा आपको लगेगा केबिन नॉइज ज्यादा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एनबीटी ऑटो में। दोस्तों ये जो दो गाड़ियां आप देख रहे हैं ये है निसान की मैग्नाइट, दोनों एक ही गाड़ी हैं। इस गाड़ी को 2020 में निसान ने लॉन्च किया था और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस और मार्केट रिस्पांस के बाद अब इस गाड़ी में फाइनली AMT का ऑप्शन वो लेके आ गए हैं, मतलब ये है निसान मैग्नाइट ईजी शिफ्ट। तो आज इस वीडियो में मैं इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि आखिरकार ये जो AMT निसान इस बार लेके आया है ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना सक्सेसफुल रहेगा और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को इस निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट के साथ। तो फ्रंट से दोस्तों मैग्नाइट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं और यहाँ DRLs देख सकते हैं और यहाँ नीचे आप फॉग लैम्प्स देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल किया गया ग्रिल पे, ग्रिल काफ़ी बड़ी मिल जाती है, निसान का बैजिंग और यहाँ पे अच्छी प्यारी सी ग्रे कलर की स्केट प्लेट देखने को मिलती है। अब दिखाते हैं आपको साइड में क्या कुछ है। दोस्तों साइड से जब निसान मैग्नाइट को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लैडिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ टायर साइज़ की अगर बात करूँ तो 195/60 R16 का यहाँ पे टायर दिया गया, डायमंड के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और आगे वाले टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे वाले टायर्स में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं और यहाँ पे क्लैडिंग पे थोड़ा सा आपको मैट ग्रे कलर का फिनिश देखने को मिलता है और क्रोम का यहाँ पे अच्छा खासा इस्तेमाल देखने को मिलता है थ्रू आउट आपको दरवाज़ों पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं। बाकी अब इसमें आपको ड्यूल टोन कलर आ गया है तो मतलब यहाँ पे ब्लैक कलर और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत लगता है। रूफ रेल्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे और ORVM पे जब आप देखेंगे तो टर्निंग इंडिकेटर है और एक नई चीज़ यहाँ पे आ गया है आपको 360 डिग्री कैमरा, मतलब इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है जब आप इसका रिवर्स गियर डालते हैं। रेयर से जब आप मैग्नाइट को देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है, मैग्नाइट की बैजिंग, निसान की बैजिंग और ईजी शिफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको वाइपर्स, डिफॉगर्स मिल जाएंगे, माउंटेड लैंप्स, शार्क फिन एंटीना और काफ़ी अच्छा स्पॉइलर मिल जाता है यहाँ पे देखने को। और अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसकी बूट, बट बूट से पहले यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया हुआ है आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा और यहाँ पे आपको मिलती है 336 लीटर की बूट स्पेस, नीचे आपको स्पेयर टायर रखा हुआ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको सेफ्टी टूल्स दिए गए हुए हैं और यहाँ पे आपको हुक वगैरह, कैबिन लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है। बाकी बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाती है आपको और यहाँ पे जब बंद कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी स्केट प्लेट यहाँ पे इस गाड़ी में मिलती है और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या कुछ है वहाँ पे। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ इस मैग्नाइट की रेयर रूम में और यहाँ पे देखते हैं आखिरकार कितना कम्फर्ट इस गाड़ी में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीरियर में चेंजेस किए हैं, अच्छा खासा इंटीरियर अब इम्प्रूव कर दिया है। तो रेयर के हिसाब से अगर देखा जाए कंफर्ट तो मेरे को अच्छा खासा लेग रूम है यहाँ पे, हेडरूम है अच्छा खासा और एक मिनट इसको खोल लेते हैं तो यहाँ पे तब भी मेरे पास अच्छा खासा यहाँ पे चार उंगलियों का तो हेडरूम अभी बच रहा है। बाकी ओवरऑल स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे एंड दोनों ही आर्म्स के लिए यहाँ पे कम्फर्ट है, मतलब यहाँ पे तो आर्मरेस्ट है ही, आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच है तो आपको यहाँ पे भी अच्छा लगेगा। बाकी ओवरऑल यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन है आपको एंड यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप कुछ अगर कार्ड वगैरह रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। दो पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलते हैं, तीसरे मिडल पैसेंजर के लिए नहीं है यहाँ पे। और जो सीट बेल्ट सिस्टम है, मतलब दो पैसेंजर के लिए 3-point बेल्ट सिस्टम है और एक पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपको 2-point बेल्ट सिस्टम मिलता है। बाकी इस गाड़ी में आपको 60-40 का भी स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ आप रेयर AC वेंट देख सकते हैं और आपकी केबिन लाइट। अब चलते हैं आगे वाली रो में और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ मिलता है। तो अब आ गए हैं इसके फ्रंट रो में और फ्रंट में सबसे पहले तो मैं AC कम कर लेता हूँ, चेन्नई में ना शूट करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे चाबी जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निसान की बैजिंग और काफ़ी प्यारी सी पतली सी चाबी है इसकी। बाकी ओवरऑल अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में एंड सबसे पहले ड्राइवर के कम्फर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ड्राइवर की सीट काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, काफ़ी कुशनी सीट है यहाँ पर एंड एज सच एक इस बजट की कार के हिसाब से कोई प्रॉब्लमेटिक आपको चीज़ नहीं लगेगी इस गाड़ी में। ओवरऑल स्टेयरिंग का होल्ड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं और आप इस स्टेयरिंग को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पर रीच के हिसाब से आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपकी MID है वो काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में,
और साथ ही साथ यहाँ पे जो एसी वेंट्स हैं इनका भी थोड़ा डिज़ाइन अलग सा है, हालांकि ये मैग्नाइट में पहले भी जैसे आते थे वैसे ही हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन साइज है इसमें भी कुछ बदलाव नहीं आया, पर बदलाव क्या है वो दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे रिवर्स गियर डालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 360 डिग्री का व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है अब इस गाड़ी में। और साथ ही साथ आप अगर अपना एंगल चेंज करना चाहें, आप ऐसे नॉर्मली कैमरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन आ गया है, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल एसी का थ्रो वगैरह काफ़ी अच्छा है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है यहाँ पे, यहाँ पे यूएसबी टाइप मिल जाता है और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है। एएमटी का गियर नॉब आ गया है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साथ जो दो कप होल्डर हैं। यहाँ आर्मरेस्ट आ जाता है, आर्मरेस्ट मुझे पहले थोड़ा सा छोटा लगा था, बट जब मैं गाड़ी चला रहा था तब मुझे इसकी सही मतलब समझ में आया कि इतना छोटा नहीं है ये, आपको जो पोजीशन में जब चला रहे होते हैं तब वहाँ पे आपको प्रॉपरली आपको ये फैसिलिटी देता है जिस काम के लिए बना है। बाकी ओवरऑल जो ये मिरर है ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया है पहले के मुकाबले। सन वाइजर्स पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक पे ही वैनिटी मिरर मिलता है, लाइट वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये था इसका इंटीरियर फ्रंट से, अब ड्राइव पे चलते हैं। दोस्तों ये है निसान की मैग्नाइट और ये है इसका एएमटी वेरिएंट। तो अभी मैं इसका एएमटी वेरिएंट चला रहा हूँ, इसकी प्राइसिंग अभी तक आई नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की, कैसी है आखिर परफॉर्मेंस वगैरह में गाड़ी। तो सबसे पहले आप 1 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिलता है इस गाड़ी में आपको, और अलग अलग गेयर बॉक्स के साथ आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। एएमटी अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, सीवीटी के साथ आती है, और इसमें आपको टर्बो मतलब 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल जाता है। तो अब ये था इंजन की बातें, अब बात करते हैं आखिरकार चलने में कैसा है ये एएमटी वेरिएंट जो अभी निसान ने मैग्नाइट का हमें ड्राइव के लिए दिया है। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल इंजन का परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट है, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पर जो जब पिकअप वगैरह की बात आती है तो जब आप एकदम से चाहेंगे कि आपकी गाड़ी एकदम पिकअप करे, वहाँ पे थोड़ा सा ये गाड़ी डिसअपॉइंट कर सकती है आपको, क्योंकि अब 1 लीटर का इंजन है और साथ ही साथ इसको इस तरह से बनाया गया है कि धीरे धीरे पिकअप करे, तो बहुत अच्छे से ये काम करता है एएमटी। बट अगर आप एकदम से पिकअप लेने की कोशिश करेंगे तो इंजन काफ़ी नॉइज़ करेगा, गुर्राएगा और थोड़ा सा आपको लगेगा कैबिन नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है। बट जब आप धीरे धीरे एक स्पीड पकड़ लेंगे, कॉन्स्टेंट स्पीड पर पकड़ लेंगे, तो वहाँ पर इंजन काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, वहाँ पर आपको कोई भी नॉइज़ वगैरह ऐसा देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ओवरऑल एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो गेयर बॉक्स है मतलब एएमटी है वो इस तरह से बढ़िया काम करेगा जब आप इसको धीमे धीमे चलाएं और धीमे धीमे जब आप पिकअप करेंगे तो वहाँ पे ये एएमटी का जो है आप सही तरीके से आउटपुट देख पाएंगे, वरना आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है इस गाड़ी से। क्योंकि क्या होता है, आप एकदम से चाहेंगे कि जैसे आप बहुत ऐसे क्रूज करना चाह रहे हो एकदम से 0 to 60 या सपोज करो 0 to 80, तो मतलब वहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है गियर्स का, वहाँ पे आपको थोड़ा सा लैग महसूस होएगा कि थोड़ा लेट गाड़ी मतलब अगले गियर में शिफ्ट हो रही है। बट जब आप धीमी स्पीड पे होते हैं तो यहाँ पे वो बहुत ही स्मूथली होता है और आपको हल्की सी एक आवाज़ आती है, मतलब वो पता तो चलता ही एएमटी में कि आपका गियर शिफ्ट हुआ है अभी। पर यहाँ पे मतलब जब मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि यहाँ पे बहुत स्मूथली वो चीज़ शिफ्ट होती है, ये चीज़ इसकी कुछ मेरे को अच्छी लगी कि अगर आप धीमी स्पीड पर चलाएंगे तो ये इंजन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट अगर आप इससे मतलब ऐसे वैसे निकालना मतलब आप ऐसे भगाना चाहते हैं इस गाड़ी को, तो ये आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, सिटी टू सिटी जैसे आप चलेंगे तो वहाँ पर ये गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगी, काफ़ी अच्छा सौदा आपके लिए साबित हो सकता है। बाकी ओवरऑल अगर मैं ब्रेकिंग वगैरह की बात करूँ और स्टेबिलिटी वगैरह की बात करूँ तो स्टेबिलिटी वाइज काफ़ी अच्छी है गाड़ी अभी तक, हालांकि इसकी प्राइसिंग नहीं आई है। ब्रेकिंग की अगर बात करूँ तो ब्रेकिंग वगैरह डिसेंट है, मैं कहूँगा काफ़ी, मतलब ऐसी नहीं है कि आप एकदम से प्रेस करें और फिर वहीं पर आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, मतलब एक जो होता है डिसेंट ब्रेकिंग वो यहाँ पर है आपको। जैसे मैं अभी ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको, अभी मेरी 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आराम से डिसेंटली गाड़ी में कोई ब्रेकिंग का ऐसा इशू नहीं आता है। एंड विजिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है गाड़ी में, जो ए पिलर है वो कभी ऐसा दिक्कत नहीं करने वाला आपको, क्योंकि जो नीचे वाली साइड है वो भी मतलब सिमिलर टू द विड्थ ऑफ इसका ऊपर वाला जो साइड है वहाँ पे मतलब विड्थ सेम मिलती है आपको, तो कुछ भी ऐसा सच आपको विजिबिलिटी के कारण दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी जो एसयूवी स्टांस कह सकते हैं आप इस गाड़ी का, वो यहाँ पे बरकरार है, आपको बोनट की दोनों लाइन्स दिखती रहती हैं, तो मतलब आप कमांडिंग पोजिशन में हल्का सा रहते तो है ही खैर। बाकी ओवरऑल अगर एसी के थ्रो वगैरह की बात करूँ, जैसे अभी चेन्नई में ड्राइव कर रहे हैं तो चेन्नई की गर्मी बहुत
ऊपर जा रही है, मतलब अभी यहाँ पे 34-35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, पर जो यहाँ पे धूप है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो यहाँ पे एसी जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ऑटो का भी ऑप्शन इसमें है, तो आप आराम से बस एक बार ऑटो का स्विच दबाइए, आपकी गाड़ी एकदम जल्दी से कूल हो जाती है। मुझे इसकी कूलिंग काफ़ी अच्छी लगी, मतलब मैंने इस चीज़ को ट्राई किया तो कूलिंग काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। बाकी दोस्तों अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन गाड़ी के जो है वो थोड़े से स्टिफर साइड पे हैं, एंड उस स्टिफर साइड के होने के कारण एक फायदा ये मिलता है कि जब आप छोटे मोटे ऐसे पैथ से निकलते हैं जहाँ पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रोड है, गड्ढे गड्ढे हैं, तो वहाँ पे ये जो स्टिफनेस है ये आपको कहीं ना कहीं फायदा देगी और आप आराम से किसी भी गड्ढे से निकल जाएंगे। बाकी ओवरऑल टर्निंग रेडियस जो है इस गाड़ी का 5 मीटर का है, मतलब बहुत ही कम रेडियस में ये गाड़ी घूम जाती है। इजी शिफ्ट के साथ निसान ने एक और वेरिएंट लॉन्च किया है, वो है मैग्नाइट का कारो वेरिएंट। कारो मतलब जापानीज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैक, तो वो ब्लैक एडिशन है बेसिकली मैग्नाइट का, वो भी आपको इजी शिफ्ट में देखने को मिलेगी जो कि एक नई चीज़ है। उसमें क्या होगा, आपको सारा जो रूफ टॉप है और सारी चीज़ें जो हैं इंटीरियर में सब कुछ ब्लैक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर यहाँ पे भी इस गाड़ी का ब्लैक है, बट कुछ ऐसा क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं देता ये इंटीरियर जो इसका ब्लैक है। हाँ तो दोस्तों अब बात आती है कंक्लूजन की कि आखिरकार ये गाड़ी बनी किन लोगों के लिए है और क्या कुछ रहेगी इसकी प्राइसिंग। तो अभी तक हालांकि प्राइसिंग अभी तक अनाउंस नहीं की है निसान ने, बट मेरे अंदाजे से इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो 7.5 लाख के रेंज में रहनी चाहिए, मतलब 20,000 उससे नीचे या फिर 20,000 उससे ऊपर ऐसी कुछ प्राइसिंग रहेगी इस गाड़ी की। और इस गाड़ी की खास बात यह है कि इजी शिफ्ट आपको 5 वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको 2 नए कलर ऑप्शंस भी आ जाएंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि निसान ने अभी अपनी मैग्नाइट का कारो वर्जन लॉन्च किया है जिसके बारे में मैंने बताया वीडियो में, तो उस वर्जन की भी आपको 4 इंजन ऑप्शंस के साथ वो गाड़ी भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो आपको ये नई निसान मैग्नाइट AMT कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले वक्त में ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट को मिस ना कर सकें।